नमस्ते छात्र, अब हम एक पाठ पढ़ लेंगे। इस पाठ का नाम है लोभ। लोभ का अर्थ है लालच। इस पाठ के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। लोभ किसे कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। धन इकट्ठा करने के बाद उसको खर्च करना भी नहीं चाहता। इस तरह धन कमाकर बचाए रखने की लालसा अभिलाषा को ही लोग करते हैं। पगले लेखक परिचय पढ़ लेंगे, इसके बाद लोग पाठ को देख लेंगे। लोग इस पाठ के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेखक परिचय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आज की हिंदी के लिए रास्ता बनाए। किसी बड़े और घने पेड़ की तरह वे एक लंबे समय तक साहित्यिक जगत के सिर पर छाया बनकर खड़े रहे। उनकी इस छाया में, छाया करते शैडो में, हिंदी साहित्य के कई नाम फले फूले। यह उनका अतुलनीय योगदान ही था जिसके चलते आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1893 से 1918 तक द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अब हम इस पाठ को देख लेंगे। लोभ। लोभ का अर्थ है लालच। लालच बहुत बुरा है। वह मनुष्य का जीवन दुखमय कर देता है। वह मनुष्य का जीवन कष्टमय कर देता है। वह मनुष्य को संतोष से, खुशी से रगने नहीं देता है। लोग कार्ते लालच ये बहुत बुरा है। मनुष्य का जीवन क्या कर देता है? दुखमय कर देता है। क्योंकि अधिक धनी होने से कोई सुख नहीं होता है। धनी कहते धनवान, अंग्रेजी में रिच कहते हैं। अधिक धनी होने से कोई सुख नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं अधिक धनी होने से, अधिक धन मिलने से हम सुख से रख सके, ऐसा समझते हैं। अधिक धनी होने से कोई सुख नहीं होता है। धन देने से सुख मोल नहीं मिलता। धन देने से सुख एक कीमत मूल्य नहीं मिलता है। इसका अर्थ है हम धन देकर सुख को खरीद नहीं सके। धन देने से
सुख कीमत मूल्य मोल करते कीमत मूल्य ये नगी मिलता। इसलिए जो मनुष्य सोने और चांदी के ढेरों को ही सब कुछ समझता है, कुछ लोग धन ही सब कुछ है ऐसा समझते हैं, सोना और चांदी के ढेर को ही धन को ही क्या कर समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, ऐसा समझने वाला मूर्ख है। मूर्ख का अर्थ है बेवकूफ है, अंग्रेजी में फूलिश कहते हैं। जो मनुष्य धन ही सब कुछ है ऐसा समझते हैं ना, ऐसे समझते हैं ना, ऐसे समझने वाले मनुष्य मूर्ख है बेवकूफ है माने फूलिश है। मूर्ख नगी तो वृत्त अगंगारी अवश्य है, मूर्ख नगी तो वृत्त कहते व्यर्थ अगंगारी, अगंगारी कहते गमंडी अवश्य है, अगंगारी कहते गमंडी अवश्य है। जो बहुत धनवान है रिच है वह यदि बुद्धिमान और बहुत योग्य भी होता तो, यदि बुद्धिमान क्लेवर और बहुत योग्य भी होता है तो भी हम धन ही सब कुछ समझते, परंतु ऐसा नहीं है। धन को ही सब कुछ समझना ठीक नहीं है। धनी मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, धनी मनुष्य जिसके पास ज्यादा धन है उसे हम क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, धनवान कहते हैं। ऐसा धनी मनुष्य धनवान मनुष्य धनवान सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं धनी है तो अधिक बुद्धिमान होंगे ऐसा समझते हैं, लेकिन धनी मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। इसलिए धन को विशेष आदर की दृष्टि से, आदर कहते हैं रेस्पेक्ट, आदर की दृष्टि से देखना भूल है। कुछ लोग है ये धन को आदर की दृष्टि से, विशेष आदर की दृष्टि से, विशेष रेस्पेक्ट की दृष्टि से ये क्या करते हैं, देखते हैं। इस तरह धन को विशेष आदर की दृष्टि से देखना भूल है, गलती है। धन को विशेष आदर की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा देखते हैं धन को आदर की दृष्टि से क्या करते हैं, विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं। धन को विशेष आदर की दृष्टि से देखना क्या है, भूल है, क्योंकि इसका रीजन है, कारण है कि उससे सच्चा सुख नहीं मिलता। ये धन से सच्चा सुख नहीं मिलता है ना, सच्चा सुख धन से नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग समझते हैं धन से सच्चा सुख मिल सके ऐसा समझते हैं, लेकिन
धन्य से सच्चा सुख नहीं मिलता। इस देश के पहुंचे हुए विद्वानों ने धन्य को तुच्छ माना है। तुच्छ न इसका अर्थ है महत्वहीन माना है। इस देश के पहुंचे हुए विद्वानों ने धन्य को तुच्छ माना है। तुच्छ कहते महत्वहीन माना है। ये धन को ज्यादा महत्व नहीं दिए हैं। एक बात आजकल के समय के अनुकूल नहीं है। और एक बार बताती हूं, इस देश के पहुंचे हुए विद्वानों ने धन को तुच्छ माना है। तुच्छ करते महत्वहीन माना है। यूरोप और अमेरिका के ज्ञानी धनी को बल नहीं सर्वस्व समझते हैं। सर्वस्व करते संपूर्ण संपत्ति समझते हैं। कौन ऐसा समझते हैं? यूरोप और अमेरिका के ज्ञानी धन ही को बल नहीं सर्वस्व कहते संपूर्ण संपत्ति, अंग्रेजी में एंटायर प्रॉपर्टी, ऐसा समझते हैं। परंतु जब धन के कारण अनेक अनर्थ होते हैं, अनर्थ करते नष्ट होते हैं, अनर्थ करते नष्ट, उस धन को प्रधानता कैसे दी जा सकते हैं? धन के कारण अनेक अनर्थ होते हैं, अनर्थ करते नष्ट होते हैं। इस तरह गई तो धन को कैसे प्रधानता दी जा सकते हैं? अब देशों में उसे भले ही प्रधानता दी जाए, कुछ देशों में उसे भले ही क्या दे प्रधानता श्रेष्ठता दी जाए, लेकिन भारतवर्ष में उसे प्रधानता मिलना कठिन है। प्रधानता कहते श्रेष्ठता मिलना कठिन है। जिस देश के निवासी संसारी को माया में एक दुख का मूल कारण समझते हैं, वे धन को कतापि कहते कभी, अंग्रेजी में नेवर करते हैं। सिक्का है तो नहीं मान सकते, सिक्का कहते कॉइन। वे धन को कभी सिक्का है तो नहीं मान सकते। भारतवर्ष में धन को श्रेष्ठता मिलना प्रधानता मिलना कठिन है। अब समझ में आ गए ना? लोभ करते लालच, मोल करते कीमत, मूर्ख करते बेवकूफ, हगंगारी इसका ते घमंडी, तुच्छ महत्वहीन, सर्वस्व इसका ते संपूर्ण संपत्ति, अनर्थ नष्ट, प्रधानता इसका ते श्रेष्ठता, कतापि इसका ते कभी, ग्रह कार्य। अब तक पढ़े है ना पगला अनुच्छेद। इस अनुच्छेद को अच्छी तरह
एक बार लिखिए। धन्यवाद।